अली खान, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सुपियान इंटरनेट हब। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मगध यूनिवर्सिटी है जो उन्होंने अपना फोर्थ लिस्ट जारी किया है, मेरिट लिस्ट, जो कि अगर आप 2021-24 के सेशन में अगर यूजी में एडमिशन करवाना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपके लिए लास्ट ये ऑप्शन है कि अगर ये लिस्ट जो निकला, फोर्थ लिस्ट निकला, इसमें अगर आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आया कैसे चेक करें। अगर इसके बाद मगध यूनिवर्सिटी स्पॉट एडमिशन देगी तो ये क्या है, डेट कैसे चेक करें, नोटिफिकेशन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना fast.jobcom। यहाँ पे तो देखिए हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट fastjob.com के। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, देखिए मगध यूनिवर्सिटी यूजी फोर्थ मेरिट लिस्ट, इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना। इसके बाद आपको आ जाना है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मगध यूनिवर्सिटी ने जो दिया था अप्लीकेशन का मेरिट लिस्ट जो है 12/11/2021 से जारी किया, जो कि 17/11/2021 तक चलेगा, 17/11/2021 तक, यानी कि इस महीने 17 नवंबर तक आपको एडमिशन। ये नोटिफिकेशन क्या है, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं कैसे चेक करना। सबसे पहले आपको नोटिस खोल के दिखा देते हैं, तो यहाँ पे नोटिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फोर्थ मेरिट लिस्ट नोटिस, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो देखिए ये आपको एक नोटिस यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया। तो चलिए हम नोटिस को आपको क्लियरली क्या है, नोटिस कब जारी हुआ, ये किन के लिए है जिनका एडमिशन नहीं हुआ, या जो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अगर सेकेंड या थर्ड लिस्ट में नाम आया तो क्या उनका भी इस लिस्ट में नाम आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, अधिसूचना देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 17/2021-24 में नामांकन हेतु चौथी मेघा सूची 12/11/2021 को जारी की जाएगी, जिसमें नामांकन हेतु 17/11/2021 अंतिम तिथि रखी गई, अतः उक्त अवधि में चयनित छात्र छात्राएं अपना नामांकन सुनिश्चित कर लें, अन्यथा आपके नाम पर पुनर्विचार नहीं होगा। मतलब कि जो भी लिस्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा नेक्स्ट में, तो ये शुरू से मगध यूनिवर्सिटी बोलते आ रहे हैं कि अगर आप एडमिशन आपका लिस्ट में नाम आ चुका है या किसी कारणवश आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो फिर दोबारा आपके जो कि नाम के ऊपर विचार नहीं होगा कि फिर से डेट दिया जाएगा, नहीं, अगले लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा, बैकआउट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए नोटिस का डेट जो कि है यहाँ पर दिया गया 1/11/2021 को ही नोटिस जारी हुआ था। तो यहाँ पर देखिए हम नोटिस चेक कर लिए हैं कि नोटिस कब जारी हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं मगध यूनिवर्सिटी से, उसी पेज पे आने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा डाउनलोड फोर्थ मेरिट लिस्ट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो कि आपको लॉगिन पेज वाले ऑप्शन में यहाँ पर 21 जैसे आपका जो यूज़र आईडी होगा, पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपका जो भी चयनित कॉलेज में जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसका ऑफर लेटर निकाल के इसके रेस्पेक्टेड कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ उसके ऑफिशियल साइट के थ्रू से ऑनलाइन करें, या फिर उस कॉलेज के ऑफलाइन माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।